भारत, सलाम भारत, हेलो भारत। दस कदम में आ जाए फिल्म स्त्री से दो यंग स्टार्स जो हमारे साथ खेलेंगे फॉर नोबल कॉज। पहले वेलकम करते हैं फर्स्ट कंटेस्टेंट फॉर द नाइट, द वेरी टैलेंटेड वर्सेटाइल राजकुमार राव। How are you, sir? How are you, sir? ये बाहर बारिश गिर रही है, बाहर बारिश गिर रही है या नहीं सर? ये आजकल पता नहीं कुछ हो रहा है, मैं जहां भी जाता हूँ ना वहां पे ऐसी चीजें होने लग जाती हैं। कैसी चीज होने लगती हैं? नहीं मतलब मैंने सर ये फिल्म की है जो स्त्री, उसके बाद से ये सब हरकतें मेरे साथ हो रही हैं सर। स्त्री का बिजली और लाइटनिंग और बादलों का गरजना और कड़कना, उससे क्या संबंध है? सर थोड़ी हॉरर फिल्म है ना हमारी, तो यू नो थोड़ा हॉरर फिल्म, हॉरर कॉमेडी है। नहीं घबराओ मत, यहाँ पर हम हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। दस का दम है, सच एन ऑनर सर, यहाँ पर किसी का दम नहीं चलता। तो अब आपके को स्टार को भी बुलाया जाए। यस सर बिल्कुल। प्लीज वेलकम आज की सेकेंड कंटेस्टेंट, द गॉर्जियस चार्मिंग सुपरस्टार श्रद्धा कपूर। How are you? So good to see you. Good, good to see you too. Hello. Hi. Sir, एक second, sir ये क्या हुआ? ये कौन है sir? कौन? कौन है? श्रद्धा कपूर और कौन है? नहीं sir, वो राज क्या हुआ? अरे sir वो पीछे खड़ी है sir। कौन खड़ी है? वहाँ पे वो व्हाइट साड़ी में वो लालटेन लेके वो उधर तो सर वो व्हाइट बाल है एकदम उसके, कहाँ पे? किसी को भी नजर नहीं आ रही। इधर इधर कौन सर? नहीं सर, नहीं 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 सर, सर वो उधर आपके सामने सर, कहाँ के पीछे खड़ी है। तुम्हें अच्छी दिख रही है यार। सर वो चल रही है पता नहीं क्या हो गया इनको। वो चल रही है सर। कौन चल रही है सर ये? क्या कर रहे हो सर आप? सेट पे बुला के सर क्या डरा रहे हो सर आप? अब जाओ ना दीदी, ये क्या कर रहे हो आप यार? हो गई शूटिंग खत्म दीदी। सर वो अब आपके पीछे सर, आपके पीछे खड़ी है सर। इधर आओ यार। कोई नहीं है पीछे, इधर आओ। अरे जाओ ना यार, पता नहीं क्या हो गया इसको सर। मैंने क्या किया? मैं तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। जाओ जाओ। तो इसलिए तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है? बिगाड़ो और तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ओह यार सर क्या डायलॉग मारा आपने, एकदम निकल गई। कौन निकली है भाई? वो थी सर। एनीवे यहाँ पे कोई था क्या? कोई नहीं था ना। था राज, कोई भी नहीं था। क्या हो रहा है यार? कोई नहीं था सर, कोई नहीं था सर। मैं मजाक कर रहा था सर, कोई नहीं था। कोई नहीं था सर। अब आ जाएं थोड़ा सा बिना डरे। यस आइए खेलते हैं दस का दम। तो दो यूथ आइकन्स जो आज आपस में टकराएंगे वो है राजकुमार राव एंड श्रद्धा कपूर। सो दस कदम में हम पहले खेलेंगे आपके साथ एक अनोखा नॉकआउट राउंड, जिसमें होंगे सात सवाल और जिस भी प्रतियोगी के ज्यादा अनुमान सही होंगे, करेक्ट होंगे, वो हो जाएंगे या हो जाएंगी लाइट इयर्स अहेड और खेलेंगे हमारे साथ सुपर सवाल। सो रेडी? यस सर। आइए लेट्स प्ले दस का दम।
तो आपका पहला प्रश्न होगा ये कि कितने प्रतिशत भारतीयों को वो काम करने में बहुत मजा आता है जिसके लिए मना किया गया हो? What percent of Indians enjoy doing something that they are forbidden to do? Indians क्या? ये तो कहीं पे भी। Adam and Eve ने, आदम और हवा ने भी वो बोला कि एप्पल मत खाओ, खा लिए। आपने ऐसा कुछ किया है? मैंने स्कूल में एग्जाम के टाइम पे चीटिंग की थी। Yeah. Yes. How can you do that? पाप है, हराम है। तो देवी माँ कभी, देवी माँ कभी नहीं माफ करेगी। एग्जाम में चीटिंग? हाँ, और मैं पकड़ी गई। एग्जाम में चीटिंग इज यू चीटिंग गॉड, यू चीटिंग भारत, यू चीटिंग एवरीवन। पर इट्स नॉट गुड, सो डोंट डू दैट। हाँ, बस तुम ही कर सकती हो, और फिर करने के बाद एडवाइस दो कि इट्स नॉट गुड। आज श्रद्धा कपूर को समझ में आया कि चीटिंग करना इज नॉट गुड। तो अब मैं बोलती हूँ आपको, कोई भी चीटिंग ना करना, पाप लगेगा आपको। आपके पास 15 सेकंड हैं, स्टार्ट होते हैं अब। ऑन मार्क्स, गेट सेट, रेडी, गो। अस्सी प्रतिशत लगाया राजकुमार ने और श्रद्धा ने लगाया 65% पर। आए देखें कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि मना करने के बावजूद जाके वही चीज करते हैं। Come on, roll the guru. श्रद्धा कपूर 20,000 रुपए जीत चुकी हैं, पहला पॉइंट। राजकुमार अभी तक शून्य पे हैं। तो आइए आपसे आपका अगला प्रश्न पूछते हैं, लेकिन इसके पहले तो एक गेम है, बहुत ही अनोखा गेम है। इसमें गाने के बोल हैं जिसे आपको डायलॉग में कन्वर्ट करके आपको डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस में बोलना पड़ेगा। कर पाओगे आप ये? हाँ सर, कोशिश करेंगे। ओके, चलिए पहला गाना आपके लिए, हाय हुकु हाय हुकु हाय हाय। रोते हुए ये चीज बोलनी, रोते हुए। हाँ, आपका पौं 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 पौं। शर्माते हुए। अब आपकी बारी है राजकुमार। तूतक तूतक तूतिया मसाज करवाते वक्त, मसाज करवाते वक्त। तूतक तूता
नेक्स्ट सरकाईली और खटिया सब्जी बेचते हुए चिल्लाते चला जैसे सब्जी बेचते ना ए सरकालियो खटिया ए सरका 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 सरकालियो खटिया हाँ बेटी ज्यादा लगे वाह बढ़िया आपके लिए बेबी को बेस पसंद है डरते हुए तो अब आपका अगला प्रश्न यानी कि आपका सेकंड प्रश्न होगा ये कितने प्रतिशत शादीशुदा भारतीयों का मानना है कि उनके जीवन साथी बिना कुछ कहे ही उनके मन की बात जान लेते हैं What percent of married Indians believe that their life partner understands their feelings without them having to say anything? ये तो मिथ है सर बहुत बोलना पड़ता है सर वैसे भी हम मर्द लोगों के लिए बहुत सिंपल है ना हमको तो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाना है मेरे एक्सपीरियंस से आप सीख लो जी सर स्टार्टिंग में कभी कन्फेस कन्फेस कभी कुछ करना नहीं कभी भी उनका जो प्रॉब्लम होता है फाइट होता है वो आप लड़ ही नहीं सकते क्योंकि आपके कन्फेशन के ऊपर वो बैटल जीत जाती है अच्छा सुनो 15 सेकंड है आपके पास आपका समय शुरू होता है अब ऑन ए मार्क्स गेट सेट रेडी गो सो ऑप्टिमिस्ट एंड सो पेसिमिस्ट श्रद्धा कपूर लगाया है 60% पर और राजकुमार राव ने लगाया है आपका अदिति राव के साथ कोई संबंध ना क्या 27% पॉइंट आइए देखें रोलू दो गोलू किसको जिताते हैं नो 72% फिर से श्रद्धा कपूर सेकंड पॉइंट भी जीत चुकी है आ गई है 40,000 पर और इनका क्या कहना भाई ऐसा लगता है कि इनको पैसों की कोई जरूरत है नहीं ये फिल्म कितने दिन में कंप्लीट हुई है अराउंड 40 डेज सर 40 डेज 38 40 दिन में 40 दिन में क्या बात करे कौन है डायरेक्टर भाई पहली फिल्म है सर पहली फिल्म तो 40 दिन के अंदर आए देखें कि आप एक दूसरे की बातें कैसे समझ पाते हैं बिना बोले मतलब इशारों इशारों से ओके वेयर यू पाजी सर फिर आ गई सर सर ये फिर आ गई सर दो पाजी
सर ये आपके पीछे घूम रही है सर वापस से। क्या चाहिए आपको यार, क्यों तंग कर रही हो? सर अब बचा लो सर, प्लीज सर। राज सीरियसली यार भाई, स्वेयर वो आप लोगों को दिखी ना वो व्हाइट साड़ी में, देखो ये स्त्री का जो आपके ऊपर हैंगओवर हुआ है उसको एक हैंगओवर ही निकाल सकता है। ये पकड़ो, आई स्वेयर थी सर। हेडफोन, अच्छा हेडफोन पहन लीजिए, उसके बाद में समझाता हूँ कि आपको क्या करना है। हाँ कान साफ है ना आपके? कान हाँ सर। हाँ चलिए, तो आपको करना बेसिकली ये है, आपके इस हेडफोन पे बजेंगे गाने और वो गानों को आपको इनेक्ट करके श्रद्धा को समझाने, एंड शी इज गॉट टू गेस के कौन से गाने हैं वो। उई, ओके। रेडी, पहला गाना। ओके, पुराना। हाँ बदन, बदन बदन के सितारे, बदन पे लपेटे हुए, बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने जाने तमन्ना के सुपर। जरा यू डिड इट वेल। क्या बात है, बहुत अच्छे। अगला गाना आपका ये रहा। वेरी गुड श्रद्धा। ओके या आई एम गेटिंग इट राइट। या मार डाला, मार डाला। बहुत बढ़िया यार, हाउ वेल यू गेसिंग। अगला गाना आपका ये रहा। ओके ओके पुराना। हाँ पैर हेलांटी, कौन सा हेलांटी? अरे ओ पिया तू, पिया तू अब राजा, सोला का मन सह के आके बुझा जा। सुपर, क्या बात है। तन के जाला ठंडी हो जा, ऐसे गले लगा जा। आई आई है, कम ऑन श्रद्धा, अंडर प्रेशर। अच्छा हो रहा श्रद्धा, कम ऑन। तुम तुम्हारा गाना है, तुम्हारा पूरा, तुम्हारा 70s का गाना क्या? तुम दारू पी के आई अवसर, दस कदम के सेट पे दारू पी के आई, दारू पी के आई। सिटी मारना सीखना है, तुम शराब पी के सिटी मारती हो क्या? करियो श्रद्धा, ये सब देख रहे हैं, नेशनल शो है। क्या हो गया,
मैं नाचूंगी 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 मैं नाचूंगी 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 खेलना है तो खेलो वरना मैं घर जा रही हूँ. बंद मुट्ठी को नीचे किया. ओके अरे फिर से कम ऑन हो जाएगा. सीटी बज गई. सीटी कौन सा गाना है वो? चालबाज का गाना है. अच्छा चालबाज का गाना. सीटी बज गई. अरे रे रे संभालो मुझे. यस अगला गाना पुराना. कोई भक्ति वाली फिल्म है. शराब भजन तारू. जय जय शिव शंकर काटा लगे न कंकर. जय जय शिव शंकर काटा लगे न कंकर के प्याला तेरे नाम गंगा. गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी जो तूने मुझे ठान लिया रब जी. जय जय शिव शंकर काटा लगे न कंकर के प्याला तेरे. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो आपका अगला प्रश्न ये है, कितने प्रतिशत भारतीयों ने कभी स्कूल कॉलेज के दिनों में चोरी छुपे अपने प्रेमी या प्रेमिका को अपने घर बुलाया है? Very interesting question. What percent of Indians have at least once during school or college secretly sneaked their boyfriend or girlfriend into their house? मेरे साथ भी हुआ. मैं कबर्ड में छुपा रहा. कुछ एक डेढ़ घंटे और मुझे इतनी जोर से छींक आ रही थी कि छींक भी नहीं पाया. और फिर बोला ये सब बकवास है यार. कबर्ड में मैं छींका बाहर. हेलो सर आई एम फीलिंग रियली स्टूपिड. कहिए ऐसा. अरे बेटा यू हियर हाउ इज गोइंग. आई सेड व्हाई डिड यू हैव टू बी इन देयर. आई डोंट नो सर योर डॉटर इज स्कैर्ड. और ये भी नहीं कि कुछ लेट गया था घर पे. वॉज About 7:38 in the evening. Oh. अभी आप दोनों के पास 15 सेकंड है. अनुमान लगाइए. On marks, get set, ready, go. तो श्रद्धा कपूर ने लगाया है 38% पर और राजकुमार राव ने लगाया है 28% पर. आए देखें ऐसे कितने बॉयफ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड्स हैं जो कि बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स को चोरी छुपे अपने घर लाए हैं. कम ऑन रोलो द गोलू. वाओ 34%. तो आप जीती हैं ये पॉइंट. तो आप 60,000 रुपए पे आ गई. अच्छा खेल रही. मैंने लास्ट मिनट में चेंज किया थोड़ा सा. हाँ तो ये जो आप यहाँ पर आए 10 कदम खेलने के लिए आए, आप किस किस नोबल कॉज के लिए आए यहाँ पर, किसके लिए खेलना चाहते हैं? सर ये एक एनजीओ है एजुकेट गर्ल्स. तो वो गांव गांव में जाके राजस्थान में जहाँ पे यू नो चाइल्ड मैरिज हो जाती है या बच्चियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, तो उनको वापस ले जाके वो स्कूल में डाल रहे हैं और बच्चियों को पढ़ा रहे हैं पूरे इंडिया में. Wow. Nice. आप
मैं एक एनजीओ को सपोर्ट कर रही हूँ जिसका नाम है अक्षय पात्रा. तो वो 1.7 मिलियन बच्चों को स्कूल में मिड डे मील्स देते हैं. ओह वाओ. तो मैं उसको सपोर्ट करती हूँ. बहुत अच्छा. एंड वन मोर थिंग, एक और चीज मुझे बहुत भा गई है कि इतने सारे एक्टर जितने भी आए यहाँ पर, सब कोई ना, हर एक कोई ना कोई चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है और उनके लिए बहुत काम करते हैं. अमेजिंग. तो आपका अगला प्रश्न ये है, कितने प्रतिशत भारतीय अपने सबसे पसंदीदा हीरो या हीरोइन की फिल्म हमेशा फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख लेते हैं? What percent of Indians always watch their favorite hero or heroine's film first day first show? सर आपका फर्स्ट डे कलेक्शन देखते लगता है कि 100% ही है. Exactly. आपका तो 110% होगा. डिपेंड करता है कि कितने फैन हो. जो भी जिस जिस का फैन है वो आई एम श्योर जाके फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही देखते हैं. तो आप लोगों के पास 15 सेकंड है. ऑन योर मार्क्स गेट सेट रेडी गो. तो श्रद्धा कपूर लगा 92% पर, इतना कॉन्फिडेंस है. पहले दिन 300 करोड़. और ये देखो, इतने बड़े स्टार होने के बावजूद इन्होंने लगाया 35% पर. सर मैं 38 तक जा रहा था पर वो टाइम खत्म हो गया. चलो 38 ना, 3% और. ठीक, इन्होंने 92 पे लगाया है. इनको इनके फैंस में इतना भरोसा है, ऑफ 92% भरोसा है, और आपको आपके फैंस में 35 या 38% भरोसा है. सर 35% मेरे हैं, बाकी सारे आपके नजर. नहीं सर, 92 तो इनके हैं सर. तो हम 200% पे खेल रहे हैं. उम्मीद उम्मीद. भाई रोलू दो गोलू, बताएं कि ऐसे कितने इंडियंस हैं जो कि अपने हीरो हीरोइन की फिल्म में फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाके देख कर आते हैं. करेक्ट है, फैन ने जवाब दे दिया इनका. तो चलो शुक्र है, 20,000 तो जीते ही. आप ही जीत रही थी. क्या कुछ कर रही थी आप मैडम? एक्चुअली क्वेश्चन है, क्या आप फर्स्ट डे फर्स्ट शो अपने फेवरेट फिल्म एक्टर्स के फिल्म्स को देखते हैं? देखता था, लेकिन आजकल फर्स्ट ट्रायल देख लेता हूँ मैं, क्योंकि थिएटर में जाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है. तो मैं गेम खेलना चाहूंगी. मैं चेक करना चाहूंगी कि आप दोनों कितने बड़े फिल्म बफ्स हैं. ओहो. इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आप दोनों प्लीज ये विसल्स अपने पास रखिए. मैं तो बिना विसल के सीधी बात. सर ऐसे कर लेते हैं. वो भी चलेगा, वो दौड़ेगा. हाँ. और ऑफ कोर्स आपका शो है तो विसल तो बनती है, सीटी तो बनती है. तो रेडी? रेडी. चेक करा था निकल रही कि नहीं निकल रही. चार गाने जिनमें कोई भी रंग हो. अब बजा तो दी, अब सोचना पड़ेगा. लाल दुपट्टा उड़ गया रे बेरी हवा के झोंके से. सब स्टॉक है आपके पास. लाल छड़ी मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी क्या खूब लड़ी. गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, ये दिल हो गया. अरीना मिनाडी का इना कलर. सर करीना मिनाडी का कलर है भाई. अच्छा. लवली. दूसरा क्वेश्चन, दो फिल्म पुनर्जन्म पर. मेरे करण अर्जुन आएंगे. मेरे करण अर्जुन आएंगे. कर्ज कर्ज. ओके लास्ट क्वेश्चन,
5 फिल्म्स डबल रोल वाली. अंदाज अपना अपना. अंदाज अपना. परेश रावल सर. सर तेजा माय हुम्मा किधर है. जुड़वा. हाँ चलो. सीता और गीता. राम और श्याम. सीता गीता. जुड़वा 1 जुड़वा 2 सुल्तान. तो उसमें एक सीन है ना ऐसा. मुझसे मुझे सिर्फ मैं ही हरा सकता हूँ सर. आपका अगला प्रश्न ये है कि क्या हुआ आपको? फिर से क्या हुआ? अभी तक तो ठीक थे. क्या हुआ? क्या हुआ भाई? सर वो मेरे कान में से बिकी प्लीज बोल के गई सर. हमारी थ्री पिक्चर का डायलॉग है सर वो. विक्की प्लीज बोल के गई. हाँ विक्की डोनर नहीं बोली. नहीं सर. कौन है भाई? है सर वो घूम रही है सर आसपास सर. चलो आइए आपका अगला प्रश्न ये है कितने प्रतिशत भारतीय कभी रात में कब्रिस्तान से गुजरे हैं. What percent of Indians have walked through a graveyard at night at least once? आप कभी गुजरी हो ऐसे बाहर से थ्रू? नहीं. आप? नहीं सर. मैं गुजरा हूं. मैं रोज गुजरता था कब्रिस्तान से. आपको डर नहीं लगा सर कभी? नहीं सर. पता नहीं उनको डर लगता था मुझे. तो आपके पास 15 सेकंड हैं और आपके 15 सेकंड शुरू होते हैं अब. ऑन योर मार्क्स गेट सेट रेडी गो. तो श्रद्धा कपूर ने लगाया है 33% पर और राजकुमार राव ने लगाया 36% पर. आए देखें ऐसे कितने भारतीय हैं जो कि रात को कब्रिस्तान से गुजरे हैं. मुबारक हो सर. जाइए आपसे आपका छठा प्रश्न पूछ ही लेते हैं. अभी प्रश्न यह है कि कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है. What percent of Indians believe that अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है. और ये डायलॉग नहीं ये हकीकत है. क्या आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया है? बिल्कुल सर. मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है क्योंकि मैं गुड़गांव से आया हूँ. मेरा कुछ यहाँ बैकग्राउंड नहीं है और मैं स्कूल टाइम से दिल से आई जस्ट वॉन्टेड टू बी अ फिल्म एक्टर. And you know, I started doing theater, then I went to FTI, then I came here and was struggling for 2-3 years. But वो जो एक belief था मुझसे actually मेरी mother का जो एक belief था मेरे ऊपर कि नहीं तुम लगे रहो और हो जाएगा. उन्होंने भी पूरे universe में ये दे दिया था. You know, कहते थे just give it to the universe. I believe that. मैं मानता हूँ कोई चीज अगर आपके लिए अच्छी है और आपको दिल से आप उसे मांगे just will it and then the universe conspires. Yeah. Give it to you. तो आपके पास 15 सेकंड हैं. जी. ऑन मार्क्स गेट सेट रेडी गो. तो श्रद्धा कपूर ने लगाया 70% पर एंड राजकुमार राव ने लगाया 74% पर. आए देखें कि कितने लोगों का मानना है कि अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो पूरी कायनात आपको हेल्प करता है उस चीज को हासिल करने में. रोलू द गोलू. क्या खेल रही है सर.
ओहो हो, और इसी के साथ डिसाइड हो गया है कि श्रद्धा हमारे साथ सुपर सवाल खेलेंगी। चलिए फिर आगे सर। कौन है भाई? अबे खोपड़ी कैसे चलती हुई आ रही है यहाँ पर? सही है, मुझे भी दिखाई दिया है। अब दिखी, सर दिखी आपको? ये पहला इतना कमजोर भूत देखा है मैंने। क्या लगा क्या यू? ये देखो ध्यान से सर। अरे बाप रे, ये तो है ही, ये तो रात को आएगी भाई। सर प्लीज प्लीज बचा लीजिए सर, ये मेरे घर तक पहुंच जाएगी सर। हाँ नहीं, ये तो घर पे आएगी, अगर ये भी नहीं आई तो ये सपने में जरूर आएगी। सर, आप सर थोड़ा उससे दूर हो जाओ सर। ये जो आपके हाथ में है ये स्माइल कर रहे हैं, हंस रहे हैं? ये मेरे पास उपाय है, ये लो बजाओ अभी। नी मुड़ा, नी मुड़ा, नी मुड़ा। जो कैसी भागेगी, डांस करते भागेगी। निपुड़ा निपुड़ा निपुड़ा, अरे काचा काच, अरे भूत के साथ नाचना है, आ जाओ। अरे छोड़ो छोड़ो, अरे खोपड़ी तो छोड़ो यार। अरे बाप रे, सही में आ जाओ। क्या रिदम है भूत। भाग जाओ यहां से। सर डर निकल गया मेरा से। आ जाओ। भूत साहब आपका इंतजार कर रहे हैं, वो आप पर शक करेंगे कि आप इतनी देर तक कहाँ गायब थी। राजकुमार राव और सलमान खान के साथ आपका कुछ ताका तो नहीं भिड़ रहा था? अरे अपने शोर की खोपड़ी तो लेके जाओ। हमारे साथ खेल रहे हैं श्रद्धा कपूर एंड राजकुमार राव। अभी आया है इनका सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न ये है, कितने प्रतिशत भारतीयों ने अपने सबसे पसंदीदा गानों के पुराने ऑडियो कैसेट्स अभी तक संभाल कर रखे हैं? What percent of Indians have till date safely kept the old audio cassettes of their favorite songs? तो आपके पास अभी तक आपके कैसेट्स वगैरह हैं? है है। मेरे पास भी है। आपके पास है? क्या कलेक्शन किया आपके कैसेट्स का? रिकॉर्ड करती थी खुद को। मैं प्रिटेंड करती थी कि मैं एक आरजे हूँ और खुद के शोज बना के मैं रिकॉर्ड करती थी, तो वो भी टेप्स मैंने रखे हैं। बहुत अच्छा गाती है सर। तो फिर गा दो ना फिर। कम ऑन श्रद्धा, श्रद्धा तू मेरी नींदों में सोता है, तू मेरे अश्कों में रोता है, सरगोशी सी है ख्यालों में, तू ना हो फिर भी तू होता है, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, मुझको भावे गलियां तेरी गलियां, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, यूं ही तड़पावे गलियां तेरी गलियां। बहुत अच्छे, वेरी नाइस। मुझको भावे गलियां तेरी गलियां। वेरी नाइस। अब आपके पास 15 सेकंड है, आपका वक्त शुरू होता है अब। बहुत करीब करीब चल रहे हो आप लोग। आपने लगाया 50% पर श्रद्धा और राजकुमार लगाया 51% पर। आए देखें कि कितने ऐसे सारे लोग हैं जिन्होंने अपने ऑडियो कैसेट्स एंड फेवरेट सॉन्ग अभी तक रखे हैं उनके पास।
Come on, Rolu the Guru. Do this khulasa, please, for us. एक लाख रुपए जीत चुकी हैं श्रद्धा कपूर। तो राजकुमार जीत चुके हैं 40,000 और श्रद्धा कपूर जीत चुकी हैं 1,00,000 रुपए। अब मेरे साथ खेलिए श्रद्धा सुपर सवाल, लेकिन उसके पहले बाजी How does it feel, Paji? आइए खेलते हैं सुपर सवाल। तो मैं आपको समझा देता हूं सुपर सवाल है क्या। आपने अभी तक जीते हैं 1,00,000 रुपए और अगर आपका अनुमान सही पड़ जाता है तो ये 10,00,000 रुपए भी हो सकते हैं। अगर अनुमान गलत हुआ तो आप यहाँ से 1,00,000 रुपए लेके ही जाएंगी। ओके, इस सवाल के लिए खिड़की होगी 10% की। तो आपका सुपर सवाल का प्रश्न है ये कि कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि उनका इलाका महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित है। What percent of Indians believe that their locality is safe for women and children? लगता तो काफी लोगों को होगा। या दैट्स व्हाट आई फील। है कि नहीं पता नहीं। आपका इलाका कैसा है? मैं मानती हूँ कि मेरा इलाका सेफ है। और मैं एक्चुअली मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि ये हकीकत हो। I think 60-70 तो श्रद्धा कपूर लगाया है 60-70% पर। Come on, Rolu the Guru, do this khulasa please for us. Wow. 84% people मानते हैं कि उनका इलाका औरतों और बच्चों के लिए सेफ है। Hats off. Yes. लेकिन बाकी के भी जो इलाके हैं वो भी सेफ हो जाने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो श्रद्धा जीती हैं 1,00,000 रुपए, लेकिन सोनी की ओर से आपको 5,00,000 और आपको 5,00,000 मिलते हैं। क्या बात, क्या बात, आपके हो जाते हैं, क्या बात है? आपके हो जाते हैं 6 और आपके हो जाते हैं 45। 45 बाजी, आपका 6,00,000 का चेक फ्रॉम सोनी, आपका चेक आपको मिल जाएगा। Yes. तो आज हमारे साथ स्त्री श्रद्धा एंड पुरुष राज ने खेला 10 का दम, जीत गए रकम और दे दिया नोबल कॉज को। तब तक इनकी तरह आप भी अच्छे अच्छे काम करो, इंडिया का बड़ा नाम करो। एंड बीच में डू व्हाटएवर यू डू मैन। मैं बोल रहा हूँ कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। चलो तुम कुछ गड़बड़ है यहाँ। कहाँ गए वो? तू निकलो निकलो। अरे सलमान को लेके गई। गई वो, गई कपड़े छोड़ गई उनके।